हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए एक बहुत दूर से एक सेट आया है। यह है जोधपुर राजस्थान से, जोधपुर राजस्थान से आया है। राजेंद्र कुमार ने भेजा है, बहुत ही सुंदर पैकिंग करके उन्होंने भेजा है सेट। ये नेशनल पार्सोनी का सेट है, मैं ऊपर में खुला हुआ है, मैं इसका पैकिंग आपको दिखा रहा हूँ। जिसने भेजा है वो मुझे एक गिफ्ट भी भेजा है, बहुत सुंदर गिफ्ट। एक उनका घंटी बनाने का एक फैक्ट्री है, तो उसमें से घंटी भी बना के घंटी भी हमको दिया है, और बहुत ही सुंदर करके पैकिंग करके भेजा है सेट। और अनबॉक्स करके अभी अब मैंने इसको अनबॉक्स किया है, तो सेट देखिए क्या है। ये सेट का बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, जो नेशनल पैनासोनिक का ये सेट है, नेशनल पैनासोनिक का ये मॉडल नंबर, ये बहुत ही कॉमन सेट था उस टाइम का, लेकिन ये बहुत सुंदर बजता है, बहुत ही हेवी सेट है। ये मॉडल नंबर है RQ565D। तो ये सेट में जो प्रॉब्लम था इसका, ये था इसका, पहले तो इसका ट्रांसफार्मर ख़राब था। ठीक है, देखिए ट्रांसफार्मर ख़राब था, ट्रांसफार्मर मैंने लगा दिया है, और उसका ट्रांसफार्मर पूरा ही जला हुआ था, जल के ख़राब हो गया था, तो मैंने ट्रांसफार्मर लगा दिया। और इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो है इसका मैकेनिकल पार्ट। ये ढक्कन मैंने खोल के रखा है स्क्रू से, जो यहाँ में ये सब सेट में एक प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आप प्ले दबाएंगे, प्ले दबाने का बाद इसका रिवाइंड दबाएंगे तो प्ले नहीं उठता है, ये सिस्टम था। जैसे आप स्टॉप टिप के रिवाइंड दबाएंगे तो रिवाइंड होगा। ठीक है, अभी सोचिए आप प्ले दबा के रिवाइंड करना चाहते हैं तो स्टॉप दबाने का ज़रूरत नहीं है, और प्ले दबाने से भी वो रिवाइंड होगा, ऐसे करके फास्ट फॉरवर्ड भी होगा, लेकिन प्ले का बटन देखिए वो नहीं उठेगा। बहुत ही बढ़िया सिस्टम था इसका, और तो इसमें क्या होता है, इसका जो प्ले का जो पत्ती रहता है, ये पत्ती, ये बहुत दिन चलने का बाद एक साइड में इसका कट जाता है, ये घर्षण के कारण एक साइड में इसका प्लेट को खा जाता है। ठीक है, तो अभी देखिए ये जब प्ले होगा, सिर्फ प्ले प्ले दिया है, अभी देखिए ये जो पुली है, इसका अंदर में पुली है, इसका नीचे में पुली है, जो फ्लाईव्हील का ये स्टिक का साथ लगा हुआ है, ये पुली जाके यहाँ में टच होगा। फ्लाईव्हील जब घूमेगा, पुली नीचे वाला पुली को घुमाएगा, वो पुली ये पुली को घुमाएगा, मतलब ये ऐसा करके घूमते रहेगा। जब आप रिवाइंड करेंगे तब देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये देखिए, मतलब ये पुली को ये रिलीज करके इधर में खींचेगा। लेकिन क्या हुआ था, इसका यहाँ का जो जगह है ना, ये जगह खा गया था, तो ये पुली अगर इसमें इधर में नहीं आएगा तब क्या होगा, इसका रिवाइंड का पुली घूमेगा और ये पुली उल्टा तरफ में घूमना शुरू करेगा, तब रिवाइंड नहीं होगा। ठीक है, मतलब प्ले का टाइम अगर रिवाइंड देंगे तो एकदम फ्रीली घूमेगा, ऐसा फ्रीली घूमना चाहिए, और ये तो घूमेगा, रिवाइंड हो रहा है ऐसा करके, अगर इसमें ये पुली उल्टा तरफ में घूमेगा तो रिवाइंड नहीं होगा। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड में ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, फास्ट फॉरवर्ड में ये ऐसा करके घूमेगा, इधर में घूमेगा, तब ये पुली फ्री रहेगा। तो ये जो पत्ती है, ये पत्ती का यहाँ का जो जगह है, इस जगह का वो खा गया था, तो मैंने इसको सोल्डरिंग करके इस जगह में वो पत्ती को बनाया, बना के लगा दिया। अभी देखिए ये अच्छे से काम कर रहा है, रिवाइंड भी हो रहा है, तो मैं आपको लोग लगा के दिखाता हूँ। करंट नहीं लगाया, एक मिनट रुकिए। करंट आ गया अभी,
अभी देखिए मैकेनिकल पार्ट कैसे काम करता है। ये देंगे तो इसका जो एसी कॉर्ड कहाँ चला गया, ये देखिए पुली घूम रहा है, ठीक है। ये सेट का यही प्रॉब्लम होता है, बाकी जो प्रॉब्लम बोर्ड में है वो बोर्ड में बहुत ही रेयर होता है। अगर बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम होगा तो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम हो जाता है, उस टाइम उसको रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसका जो यहाँ में जो रेजिस्टेंस है, ये देखिए ये जो लगा हुआ है ना 2-7, ये रेजिस्टेंस है इसका अंदर में, ये अगर ख़राब हो जाएगा तो प्रिंटेड रेजिस्टेंस है ये, यार ठीक नहीं होता है उस टाइम, और कोई का आपको ये करके बनाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं रहता है, क्योंकि यही जो देखिए दोनों जो गैप है ना, ये मिडिल में ब्लैक कलर का लेयर है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर ये कोई जगह से भी टूट जाएगा या कुछ होगा तब वो ख़राब हो, तब ये सेट नहीं चलेगा उस टाइम, और कोई टेक्निक है, एक टेक्निक है, वो टेक्निक से उसको ठीक करना पड़ता है, ठीक है। ये बात छोड़ दीजिए, मैं मैकेनिकल जो दिखा रहा हूँ, अभी देखिए ये तो प्ले हो रहा है, अभी देखिए रिवाइंड कैसा होगा, ये घूमेगा, ये बंद होना चाहिए, तो पहले ऐसा नहीं होता था, ये देखिए ये एकदम फ्ले फ्री हो गया, अभी अगर रिवाइंड होगा तो ये पुली फ्री होगा, अच्छा। अभी इसमें बोर्ड में, इसका बोर्ड में छोटा सा प्रॉब्लम था, ये था ये बड़ा वाला कैपेसिटर, ये ज़्यादातर वीक हो जाता है जब एसी का जो करंट आता है, करंट आने के बाद तो डीसी करके इसको डायोड से डीसी करके ये जब बोर्ड में सप्लाई देता है उस टाइम ये कैपेसिटर बहुत यूज़ होता है, चार्ज डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज ऐसे कंटिन्यू होते रहता है, तो सभी को ख़राब हो गई, तो इसलिए ये कैपेसिटर ख़राब हो जाता है। तो ये कैपेसिटर आने के बाद ये कैपेसिटर को आपको चेंज कर देना ही अच्छा होगा, क्योंकि इससे सेट का जो ओरिजिनल डीसी जो पल्स है वो डीसी पल्स ठीक से जाना चाहिए, तो ओरिजिनल डीसी पल्स जाने के लिए ये कैपेसिटर को आपको चेंज करना ही पड़ेगा, तो ये आप चेंज कर देने से अच्छा होगा। कोई भी सेट अगर खोल लिया तो उसको अच्छा करके ओपन पूरा ओपन कर लीजिए, तो ओपन करने से ये कैपेसिटर पीछे से आप खोल के लगा दीजिए, इसका ओपन करना ऐसा कोई बात नहीं है, ये दोनों नाव खोल लीजिए, यार इसमें स्क्रू है, स्क्रू खुलने से ये पूरा ओपन होकर पीछे तरफ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग कर दीजिए, डिसोल्डरिंग करके आप ये कर पाएंगे, तो उसका सोल्डरिंग करके लगा दीजिए। इसमें और एक प्रॉब्लम है होता है, जो बहुत ही छोटा प्रॉब्लम है लेकिन वो बड़ा ही प्रॉब्लम है, अगर ये पुली जाम है और नहीं तो इसके जो काउंटर है, जो काउंटर वो जो काउंट होता है, मतलब कैसे कितना टाइम तक चला है, वो अगर जाम होगा तब वो प्ले ठीक से नहीं होगा, सेट नहीं बजेगा ठीक से। तो अगर इसका रबर आपका ढीला हो गया तो रबर को पहले आप चेंज कर दीजिए, इसके बाद हाथ से घुमा के देखिए ये फ्रीली घूमता है कि नहीं, एकदम फ्री घूमेगा, कोई भी जगह थोड़ा मतलब टच नहीं होना चाहिए, कोई भी जगह इसको जाम नहीं होना चाहिए, अगर ये जाम होगा तो जब भी कैसेट को खींचेगा पिंच रोलर तब ये ठीक से नहीं घूमेगा, आवाज़ कपते रहेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा, ठीक से नहीं बजेगा वो कैसेट को नहीं खींच पाएगा, इसलिए ठीक से नहीं बजेगा। और एक चीज़ है इसका, इसका जो डायल कॉर्ड, ये देखिए डायल कॉर्ड बहुत सावधान, ये अगर डायल कॉर्ड आपका हाथ से टूट गया तो उस टाइम ही उसको देख करके लगा लेना चाहिए, नहीं तो क्या होता है ये इसका डायल कॉर्ड का जो पैच होता है वो कहाँ से कितना पैच दिया है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है, वो आपको मिला के लगाना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर डायल कॉर्ड कोई जगह से टूट गया है तो उस टाइम ही उसको देख के अच्छा करके लगा लेना चाहिए, अगर आप सोचेंगे ना बाद में डायल कॉर्ड लगा लूँगा, वो नहीं सकेंगे आप, क्योंकि इसका डायल कॉर्ड कौन सा पुली से कहाँ तक आया है, कितना टर्न है, वो एक हिसाब है उन लोगों का, अगर आप लगा भी पाएंगे तो आप देखिएगा उसका डायल कॉर्ड नहीं मिल रहा है, हाफ जा रहा है तो हाफ नहीं आ रहा है,
इसलिए डायल कॉर्ड को कभी भी आप लोग जो टूटने टूट जाने से उस टाइम ही अच्छा करके उसको कॉर्ड को लगा लीजिए। इसके बाद आप और कोई सूता लेके उसको पहले उस जैसा लगा के इसके बाद पुराना सूता खोल के इसको लगा लीजिए, ठीक है। इसमें और एक चीज प्रॉब्लम होता है, इसका वॉल्यूम कंट्रोल। वॉल्यूम कंट्रोल अगर कोई भी घुमाने से खर 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 साउंड हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको आप वॉल्यूम कंट्रोल को क्लीनिंग करके आप क्लीन करने से हो जाएगा। तो ये सेट का यही प्रॉब्लम था, यह अभी हो गया है, अच्छा बजता है अभी, बहुत ही सुंदर बजता है। और इसका हेड जो था, हेड को मैंने चेंज कर दिया है, हेड बहुत ही ख़राब हो गया था, कंडीशन एकदम ही अच्छा नहीं था, तो मैंने इसका हेड लगा के दिया है। अभी सेट एकदम क्लियर बजता है। और जब भी आप कोई सेट, बहुत पुराना सेट आप खोलेंगे, उस टाइम आप बहुत ही याद रखना जो उसका जो पिंच रोलर है, वो पिंच रोलर को आप अच्छा करके देख लेना जो उसका कंडीशन क्या है। देखिए ये कंडीशन, मतलब ये जो जगह है ना, ये जगह में पूरा ब्लैक रहना चाहिए। अगर ये थोड़ा हार्ड हो गया पिंच रोलर, ये जो रबर जो थोड़ा हार्ड हो गया या इसमें रेड कलर का एक लेयर बैठ गया तो वो आप चेंज कर दीजिए, क्योंकि इसका पिंच रोलर एक्यूरेट पिंच रोलर ये आपको नहीं मिलेगा। आप इसका जो बटन में जो एक डंडी देख रहा है उसको थोड़ा प्रेस देने से वो डंडी पीछे से निकल के आएगा। इसके बाद आप कोई सेट, कोई भी पिंच रोलर लेके इसके अंदर में घुसा के इसको फिर डंडी को अंदर में घुसा दीजिए, तो रोलर आपको ठीक हो जाएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मैं छोटा सा ही वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो अच्छा लगे तो लगने से बोलिएगा कैसा लग रहा है, और कोई भी क्वेश्चन होने से बोलिएगा। क्योंकि मैंने ये सेट इसलिए दिखाया, जे ये सेट बहुत दूर से एक आदमी ने भेजा है, बहुत ही अच्छा आदमी है, उन्होंने उनका एक फैक्ट्री भी है, वो फैक्ट्री का माल भी मुझे भेज दिया जी, मेरा फैक्ट्री का माल है। बहुत अच्छा लगा है मुझे ये चीज़, ऐसा कस्टमर मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मेरा भी एक बात है जो मैं भी अच्छा अच्छा करके बना के इसके बाद भेजूँगा सेट, तो मैंने अच्छा करके सर्विस करके इसको रख दिया है। अभी ये सेट जाने तो सालों तक बजा पाएंगे। इसका हैंडल उन्होंने, मैंने बोला था हैंडल वो खोल के रखा है आदमी, इसका हैंडल है उनका पास है, अभी अब कुछ नहीं इसको लगाएंगे, ले आके वो सेम बॉक्स में मैं उसको उनको रिटर्न भेज दूँगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, और अच्छा लगे तो बोलिएगा और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन और लाइक बटन दबाइए, तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग देख पाएंगे, नेक्स्ट वीडियो क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।